आशिकी 3 जिसमें कार्तिक आर्यन लीड रोल में नजर आने वाले हैं, लेकिन फिर खबर आई थी कि फिल्म होल्ड पर चली गई है। लेकिन अब फिल्म के करीबी सूत्रों ने पुष्टि की है कि आशिकी 3 होल्ड पर नहीं गई है, बल्कि कार्तिक आर्यन के साथ इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू की जाएगी। हाल ही में कार्तिक ने सतप्रेम की कथा से अपनी फिल्म की शूटिंग का क्लिप शेयर किया है और एक्टर अपनी अन्य फिल्मों की तैयारी के लिए मुंबई वापस लौट आए हैं। मुंबई आने के बाद कार्तिक आशिकी 3 के डायरेक्टर अनुराग बसु और प्रोड्यूसर भूषण कुमार के साथ टी सीरीज के ऑफिस में मिले, जहां पहले खबर आ रही थी कि आशिकी 3 होल्ड पर चली गई है, वही अब यह कंफर्म किया गया है कि फिल्म पर काम शुरू हो चुका है। इस बारे में सूत्र ने बताया कि आशिकी 3 को होल्ड पर रखने की खबर बिल्कुल निराधार है, बल्कि फिल्म में कार्तिक के अपोजिट फीमेल लीड की तलाश की जा रही है। कार्तिक अभी अपनी अन्य फिल्मों में बिजी है, वहीं अनुराग भी मेट्रो इन दिनों में बिजी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आशिकी 3 का काम रुक चुका है। फिल्म की शूटिंग नवंबर 2023 तक शुरू की जाएगी। सितंबर 2022 में मोशन पोस्टर के साथ अब तेरे बिन की धुन के साथ आशिकी 3 की घोषणा बहुत ही धूमधाम से की गई थी। अब कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बॉलीवुड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।